ओम शांति। 16 अप्रैल साकार मूली। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामिल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट ईमानदार रहे। प्रश्न, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उत्तर, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार है, कुछ भी छिपाते नहीं है, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। गीत महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि तुम क्षमा तो हो नहीं। आत्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, न जानने के कारण कहते भी हैं, नेति नेति हम नहीं जानते, नास्तिक है। फिर भी जो नाम आया वह कह देते। ब्रह्म क्षमा ठिकर बितर में भी परमात्मा कह देते, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रदान जास्ते होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोतामेल निकालो। क्या किया हमने भोजन देवताओं मिसल खाया? चलन कायदे से चली या अनाड़ियों मिसल? रोजाना अपना पोतामेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज यह पाप कर्म हुए। ऐसा सच लिखने वाला कोटो में कोई ही है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। योग कुछ नहीं, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। यहाँ भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा। 5000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बड़े युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना? बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना? कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, यह होता है। सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं, बहुत हैं जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे
उठाते हैं। ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया, यह गिरा। बाबा तो उठाने के लिए महिमा भी करते हैं, पुचकार दे उठाऊंगा। तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी है, कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। ये सारी दुनिया का बाप है, सभी उस एक को बुलाते हैं। वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भपका रहता है। इस समय तो है सब पतित, परंतु अपने को समझते थोड़े ही है। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं? 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह देवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है, कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती है। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, इनके लिए यह सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़े रहेगी, किसको पता भी नहीं पड़ेगा, मासी का घर थोड़े ही है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है, सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है, सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं जलेगा। इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है, कितने ढेर मनुष्य है, जानवर है, कितनी सामग्री है, यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है, देवी देवताओं का राज्य था ना, कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं? अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं, माम एकम याद करो, यह भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं, अनुभव से नहीं कहते कि वह बिंदी है, हम भी इतनी छोटी बिंदी है। ऐसे समझ से याद करना है, पहले तो मैं आत्मा हूँ यह पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सत्व प्रदान बनती है। यह सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं, इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं घर। यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा है, शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं, देह अभिमान में आकर कुछ न कुछ कह देते हैं।
यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। अभी तो बिल्कुल अलबेले हैं, खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चना चबाना है, इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़े ही है, सिर्फ कह देते कि आपकी बातें ठीक है। यहाँ भी नंबरवार है, निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है, सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। ये बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो यह पद कैसे पाएगा। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं, दो इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना, पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को दो इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे है, चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुरछा पुरछा हो जाते हैं। थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं, समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है, इससे तो बाहर में रहे वह अच्छा है। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है, प्रजा में कोई इतने संस्कार बनते हैं बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे, नालायक बच्चे को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ एक दो बच्चे की तो बात नहीं, यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है, इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, तब तुम किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे, हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना, उन्हों के लिए सजा कम थोड़े ही है, ऐसे ही थोड़े ही चले जाएंगे, उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे, कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुक तो होता है ना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइस देते रहते हैं, अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक है ना, बच्चों को लिखना चाहिए। दुनिया में प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है, श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं, कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी, ये मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे, ये सब होने के पहले पवित्र होना है, यह ओना लगा रहे, घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं, यहाँ बकरियों म्याफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है, इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना यहाँ बंद कर देना होगा, इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियाँ मिली तो समझते हैं और कहाँ जाए, चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं, यह तो जैसे धर्मशाला हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई, बाबा जांच कर रहे हैं कि कब ऑर्डर कर देंगे, बच्चे कोई भी न ले आए, यह बंधन भी कम हो जाएंगे, माताओं पर तरस पड़ता है। यह भी बच्चे जानते हैं श्री बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़े ही है, समझते हैं
हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, इतना भी समझते नहीं। शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं। राजधानी में तो सब चाहिए ना, ये सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओ के भी साक्षात्कार होंगे, बच्चों को पहले भी ये सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही है थर्ड क्लास, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना, ये गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है, अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे, वह आज है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प मैं सुख दाता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है, सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, चढ़ाई बहुत ऊंची है इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है, कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है, उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है, गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। वरदान संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। विस्तार जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे, अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। ओम शांति।